हमने जिक्र किया था एक पैसे का, लेकिन संयोग ऐसा है कि एक पैसा तो खोटा है, लेकिन एक दिन में क्या 10 से 11 पैसे खोटे हैं या खोटे रुपए हैं? एक दिन की इतनी ही पेंशन मिलती है किसी को, जोड़िएगा तो महीने का बनेगा 350 रुपये। और सरकार है इसे भी नहीं दे पाती, बैंक हैं इसके लिए भी मुश्किल में डाल देते हैं, इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। ये हैं 73 साल के हरिदास पेलेकर। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, पत्नी टीवी की मरीज है, दो विधवा बेटियां हैं और उन बेटियों के दो बच्चे भी साथ रहते हैं। घर कैसा है आपके सामने है। हरिदास पेलेकर को सरकार की तरफ से निराश्रित पेंशन मिलती है 350 रुपए। पर इस 350 रुपए के लिए क्या खाएं और क्या गिनाएं? 350 देते हैं, हमारे कुछ नहीं होता है, न घर चलता है न कुछ चलता, पैसे बढ़ जाएगा तो कैसे अपना रुका सुखा चलाएंगे, 350 में क्या होता है, दवाई भी नहीं मिलती। हद यह है कि 350 रुपए की पेंशन भी बैंक से लेना कोई आसान काम नहीं, घर से बैंक जाने में ही 100 रुपए लग जाते हैं। रिक्शा वाले टंगा वाले 50 रुपए लेते हैं, आने जाने के 100 रुपए लग जाते हैं, और फिर वहाँ बैंक में जाओ तो बैठा कर रखते हैं। परमेश्वरी यादव 12वीं पास है, कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर फर्स्ट डिवीजन में 12वीं पास की। परमेश्वरी 80% दिव्यांग है तो उन्हें 500 रुपए पेंशन मिलती है, लेकिन इससे आगे की पढ़ाई हो नहीं सकती। पिता की मौत पहले ही हो चुकी है, 6 भाई बहन होने की वजह से माँ इतना पैसा इकट्ठा कर नहीं पाती कि बच्चों को पढ़ा सके, और परमेश्वरी अपना दर्द बयां करते करते रो देती है। 500 में क्या होता है, परमन 500 मिलने से क्या होगा, चाहते हैं कि पढ़ाई करे लेकिन पढ़ाई नहीं, ऐसी स्थिति नहीं हम लोगों की कि हम लोग पढ़ाई कर सके, तो रोना तो आएगा ना सर, मतलब सपने पूरे नहीं होंगे तो इंसान रोएगा ही ना। परमेश्वरी नौकरी करना चाहती हैं, सरकार कोई भी मदद इन्हें दे, ये उसके इंतजार में बैठी हैं। इनके पास जो सिक्के पड़े हैं, कुछ चंद नोट पड़े हैं, दरअसल ये इनकी माँ और ये पैसा केवल इसलिए इकट्ठा कर रही हैं कि निराश्रितों का, दिव्यांगों का जो पेंशन है वो सरकार बढ़ाए, इसकी मांग को लेकर अब ये दिल्ली जाने वाले हैं। यदि आज उम्र दराज हो गए हैं, वो यदि आज निशक्त हो गए हैं, ऐसे लाचार बेबस मन के लिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में निराश्रित पेंशन एक छलावा है, लाभार्थी राज्य सरकार से गुहार लगाते हैं और गुहार लगाते लगाते थक जाते हैं, पेंशन बढ़ाओ, पर कुछ होता ही नहीं। जो पेंशन मिल रही है उसे लेना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं। लाभार्थियों को कभी 3 महीने तो कभी 6 महीने में पेंशन मिलती है, वह भी कई कई चक्कर लगाने के बाद। बैंक वालों के लिए 350 रुपए लेने वाले पेंशनधारी किसी प्राथमिकता में आते नहीं, तो फिर घंटों इंतजार करवाते हैं और पेंशनधारी करते हैं। या 3 महीना 4 महीना हो जाता है, हम लोग जाते हैं ना तो पैसा नहीं आया है, बाद में आना, उसमें ऐसे करके बोलते हैं। जब 3 महीना हो जाता तो 1 महीना पैसा डालते हैं, अभी तो मेरे को 3 महीना हो गया है, पैसा नहीं मिल रहा है। बैंक जाते तब बैंक में इतना तकलीफ है, तो सुबह कहीं 10 बजे के जाके बैठे है बैंक में धरना दे टाइप के, फिर भी वो बैंक वाला मन हाँ कहीं सुने नहीं। 1,00,000 रुपये वाले मन पहली देखते, हमारे 350 रुपये वाले नहीं देखे। तो छत्तीसगढ़ के निराश्रित अब समझ चुके हैं कि राज्य सरकार के कानों में जू नहीं रेंगेगी, ऐसे में उन्होंने केंद्र सरकार से गुहार लगाने का फैसला किया। पेंशन की रकम बढ़ाने के लिए दिल्ली में प्रदर्शन करना तय हुआ है, जिसके लिए चंदा जुटाया जा रहा है। ये बुजुर्ग 5-10 रुपए का चंदा ले लेकर जमा कर रहे हैं ताकि देश की राजधानी में देश के मुखिया यानी प्रधानमंत्री तक संदेश पहुंचाया जा सके और खुद पहुंचकर पहुंचाया जा सके कि देखिए आपकी पार्टी शासित राज्य में हमारी ही नहीं सुनी जा रही। प्रदर्शन की तारीख तय भी हो चुकी है और तय रखी गई है 2 अक्टूबर, जी गांधी जयंती। तो क्या रेशमी शहर दिल्ली में इन बुजुर्गों की फरियाद सुनी जाएगी? क्योंकि इन बुजुर्गों की आवाज में इतना दम भी नहीं कि वह चीख सके चिल्ला सके, इनके हाथों में इतना दम नहीं कि तोड़फोड़ कर सके, बसों ट्रेनों को रोक सके, पुलिस रोके तो बैरिकेड पार करके चले जाए। ये बुजुर्ग हैं,
शांतिपूर्वक दिल्ली आना चाहते हैं, उसके लिए पैसे का जुगाड़ हो रहा है और दिल्ली आने के बाद विरोध कैसे करेंगे यह भी सोचा जा रहा है। और तय यह भी हो रहा है कि राजघाट ही चले चलेंगे। 2 अक्टूबर का दिन होगा तो फिर महात्मा गांधी से ही पूछेंगे, आजादी मिली पर यह कौन सी आजादी। एपी न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र तिवारी की। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।